नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एस एस सी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर आज हम करेंगे 26 फरवरी की शिफ्ट फोर का पेपर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टेम टाइम वेस्ट किए हुए पहला सवाल है कह रहा है e, ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं ई e और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं तो जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो बीस गुड़े में पचास दोनों का डिफरेंस तीस हो गया तो यानी कि पचास दूनी सौ यानी कि सौ बटे में तीन ये आंसर आ गया बस इतना ही करना है भाई ई एफ जी दिया गया था इसका टोटल बीस दिन था और ई e और एफ का टोटल पचास दिन था हमने एलसीएम ले लिया पचास घुड़े में बीस ये टोटल वर्क आ गया इसकी इफिसियंसी पचास हो गई इसकी इफिसियंसी बीस हो गई यानी कि e ई और एफ EF की इफ़िशियंसी बीस है तो पचास से घटाएंगे तो इसकी इफिशियंसी तीस आ जाएगी ना वही चीज हमने डायरेक्ट कर ली अगला सवाल एक का का अंकित मूल्य मूल्य इतना है है उस बस्तु पर 30 की छूट दी जाती है, तो बस्तु का क्या होगा भाई साथ, साथ 42 हो गया 133 कर लो 133 में जोड़ेंगे तो देना था बस बाकी कोई पंचायत नहीं करनी अगला सवाल तीन गुना तेज है और बी सी से दो गुना तेज है यदि कोई यात्रा सी द्वारा इतने मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना ए बी सी बी सी से दो गुना तेज है भैया दो गुना तेज है या फिर ये तीन गुना हो गया तीन गुनी छ अब ये किसका आ गया ये स्पीड का रेशियो आ गया हम एक कोई डिस्टेंस मान लेते हैं इनका एलसीएम इनका एलसीएम हमने डिस्टेंस मान ली डिस्टेंस मान ली हमने छ तो इसको टाइम कितना लगा होगा एक इसको टाइम कितना लगा लगाओगे तीन इसको टाइम कितना लगा होगा यानी कि ये जो रेशियो है वो क्या आ गया ये टाइम निकल कर आ गया ठीक है अब हमें यही तो निकालना था था वो ये कह रहा था कि 66 मिनट सी को लगते हैं यानी कि छह बराबर में 66 दिया गया तो ए बराबर यानी कि ये 11 मिनट आंसर आ जाएगा बस अगला सवाल दो संख्याएं आठ रेशियो नौ के अनुपात में हैं यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है भाई नौ से आठ गया एक अब यहां से आप नहीं कर पाओगे डिफाइन की एक का मल्टीपल क्या ही करोगे सभी होते हैं यह दिया गया तो नौ आठ सत्रह सत्रह बराबर में एक सौ दो एक बराबर में निकालोगे तो ये आ जाएगा अच्छे अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले तो सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहां पर उनचास हो रहा है यानी कि ये दो बार चला गया इसको करेंगे तो ये ग्यारह बार ग्यारह से दो गया नौ यानी कि इक्यासी बटे में तेरह गुड़े का साइन करेंगे तो ये नौ नीचे आ जाएगा एक ऊपर इंटू में टू वन नाइन सेवन अपॉन में वन सिक्स नाइन हो गया ये नौ बार कैंसिल आउट हो गया इधर करेंगे तो नौ से कटेगा क्या छः एक सात नौ सात सोलह नहीं कटेगा तो तेरह एकम तेरह हो गया बचा आठ फिर तेरह पंजे पैंसठ तेरह छक अठहत्तर अच्छा अच्छा हो गया बचा कितना है ग्यारह तेरह नए में एक सौ सत्रह ये इससे कैंसिल आउट हो गया आंसर क्या आ गया अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन फिर से भाई क्या करते हैं सबसे पहले गुणाई कर लेते हैं चौदह होता है वैसे 14 ले लो कॉमन तो आठ प्लस का नौ सत्ताईस हो जाएगा और ये माइनस का डिवाइड करेंगे तो तीन तर का नौ तीन सत्तर इक्कीस हो गया आठ सात पंद्रह हो गया यानी कि ये पैंतीस बन गया तो चौदह पंजे सत्तर हो गया चौदह तिया बयालीस और सात उनचास माइनस का सैतीस दस से सात गया तीन हो गया सात से तीन गया सॉरी आठ से तीन गया पांच यानी कि चार सौ तिरपन आंसर अगला सवाल एक्स अकेले काम को बीस दिनों में पूरा कर सकता है और बाई को पचास दिनों में, काम को पूरा करने में को कितना समय लगेगा दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो सौ आ जाएगा बीस पंजे सौ ये एक्स की इफिसियंसी हो गई बाई की दो इफिशियंसी हो गई अब वे दोनों मिलकर यानी कि सात की इफिशियंसी से पांच दिन काम किया तो पैंतीस काम हो गया तो सौ में से 35 काम हो गया बचा कितना पैंसठ काम बचा अब बाई को करना है यानी कि चौसठ होता है कहाँ तक आप सोच पा रहे हो धीरे धीरे करके चीजें वो डेवलप कीजिएगा अगला सवाल दो वर्ष के लिए चौबीस हजार रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है वार्षिक ब्याज की दर बतानी है यहाँ पर क्या लिखा अर्धवार्षिक यानी कि टाइम हमको दो साल दिया गया था छः महीने की कैल्सिले बनाएंगी चार यानी कि अल्टीमेटली जो टाइम है हमारा नया वो चार वर्ष का है अब यहाँ पर प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो हम बनाते हैं पहले तो चौबीस हजार और ये हो गया पच्चीस सात छः पॉइंट में फोर सबसे पहले इसका रेशियो बना लो इधर जीरो करेंगे आठतियाँ चौबीस हो गया ठीक है इधर करेंगे आड़तियाँ चौबीस आठ दूनी सोलह आठ दूनी सोलह जीरो आठ चौसठ हो गया अब फिर आठ से कटेगा क्या आठ दूनी सोलह हो गया कट जाएगा तो आठतिया चौबीस हो गया छह बचा आठ सत्ते छप्पन आठ पन्ने चाले जीरो इधर करेंगे चौक हो जाएगा बचेगा कुछ नहीं यानी कि जीरो कर दो आठ दूनी सोलह आठ चौक अड़तालीस हो गया अब यहाँ पर और भी कटेगा दो से काट लेते हैं पहले तो ये दो एकम दो हो गया दो अठे सोलह हो गया दो सत्ते चौदह दो पंजे दस हो गया दो दूनी चार जीरो हो गया दो एकम दो दो तिया छ हो गया तीन दो पांच एक छ हो गया आठ एक नौ तीन से कटेगा तीन छा तीन दूनी छ हो गया तीन पंजे पंद्रह हो गया तीन छः अठारह दो बचा तीन सत्तर इक्कीस तीन एकमती अब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं अभी तो प्रिंसिपल सीआई के साथ था ना तो 625 सौ पच्चीस सौ पच्चीस में ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा यानी कि पांच एक छः हो गया सात दो नौ हो गया और छः बारह हो गया बारह सौ छियानवे अब ये देखना ये पाँच की पावर में चार है और ये छत्तीस का है यानी कि ये छः की पावर में चार है ऐसा क्यों किया भाई हमको कुछ रेट दी जाती कुछ भी रेट दी जाती है उसका अगर हम रेशियो बनाते प्रिंसिपल से अमाउंट करते पावर में चार करनी पड़ती क्यों करनी पड़ती क्योंकि टाइम आया तो हाँ आप हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं फोर रूट फोर रूट कर लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पांच अनुपात में चार बन गया आगे यहाँ से करेंगे तो ये देखो पाँच अनुपात में छ हो गया भैया मैं कहूँ कि अमाउंट कम कैसे आ गया एक बटे में पांच गुड़े में सौ हो गया यानी कि पानदूनी दस बीस परसेंट रेट आई हमारे पास लेकिन ये आंसर नहीं है रीजन इसके पीछे है हमको कोई भी रेट दी जाती थी यानी कि कोई भी रेट दी जाएगी तो उसका हम आधा करके लिखते थे तभी तो हम बाद में उस पर कैलकुलेशन करते थे तो जो इसका मान है वो बीस परसेंट निकल के आया आर बटे में दो तो आर बराबर में चालीस हो गया ये न्यू जो निकल आई है ना वो अर्धवार्षिक वाली थी हमने वार्षिक की निकालनी है क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी उसका आंसर पता होना चाहिए

यानी कि ये जो नंबर लिखे ना दो दो चार पांच इनका एवरेज हमसे पूछा गया अब एक चीज बताओ भैया हमसे ये वाली संख्या पूछी गई दो, दो चार यानी कि यहाँ पर कोई टर्म रहा होगा इसका मान पूछा गया तो सबसे पहले देखो दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह यानी कि यहां पर पहुंचे होंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ा एक्स प्लस का सोलह जोड़ना पड़ा तो ये सब हटा दो आंसर तो आ चुका ना अब अगर अगली संख्या पर जाते अगली संख्या पर जाते ये तो सोलह हो गई यानी कि ये कितना बनता है सोलह दो अठारह बनता है यानी यानी कि कि ये आ जाता, एक्स प्लस का आ जाता जाता का अगर हम यहीं से देखें तो ये बीच वाला नंबर है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते सोलह प्लस का एक्स प्लस का अठारह बटे में दो लिख सकते हैं यानी कि एक्स प्लस का चौंतीस हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस का सत्रह इस तरीके से आंसर लिख लो समझ गए मैं आशा करता हूँ बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था आंसर आपका आ जाना ठीक है वैसे x प्लस का सोलह आया ना तो फिर यहां से देखो दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह किया सोलह के बाद आप दो जोड़ते दो जोड़ते एवरेज के लिए दो का भाग कर देते तो एक ही जोड़ना पड़ता तो एक्स प्लस का सत्रह पहुंच जाते उसी टर्म पर बात खत्म हो जाती तो ये जो टर्म है ना एवरेज का वो ये निकल कर आएगा अगला सवाल यदि एल एम से तीन गुना अधिक है तो एम एल से कितने परसेंट कम है कह कराता एल ए एम से तीन गुना अधिक है यानी कि ये चार हो गया तेरा से कितने परसेंट कम है भैया कितना कम है तीन कम है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का इतना परसेंट है यदि पैंतीस परसेंट की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य का यानी कि क्रय मूल्य अगर सौ है तो मार्क प्राइस कितना है मार्क प्राइस एक सौ साठ है इस पर पैंतीस परसेंट की छूट दे दी यानी कि एक सौ साठ पर पैंतीस परसेंट की छूट देंगे तो इतने में बेचेंगे ये बन गया क्या ये सेलिंग प्राइस बन गया हमारे पास सीपी कितना था सौ था इनका हम क्या कर लेते हैं रेशियो बना लेते हैं बस क्योंकि इसी से हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ये कैंसिल आउट हो गया ये तेरह हो जाएगा इधर कर देंगे तो ये पानदूनी दस हो गया दो अट्ठे सोलह हो गया तो इधर सौ करेंगे तेरह अट्ठे एक सौ चार हो गया कितने का प्रॉफिट लिया चार परसेंट का अगला सवाल एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है यदि उस वस्तु पर तीस परसेंट की छूट दी जाती है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा आसान है भैया फिर से वही मुझे यहाँ पर वो लगा दिया है कह रहा था द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इट इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट वॉट वॉज पॉपुलेशन ऑफ द टाउन

जितनी जरूरत हो उतना ही काम करेंगे तो तेरा सत्ते इक्यानवे ये क्वेश्चन मतलब को हटा देना अगला सवाल एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का ढाई सौ परसेंट है यदि क्रय मूल्य में पचास परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ क्या होगा क्रय मूल्य का ढाई सौ परसेंट क्रय मूल्य का ढाई सौ परसेंट हो गया है अब ये क्या हो गया हमारे पास अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का ढाई सौ परसेंट है यानी कि ये प्रॉफिट है हमारे पास ये सीपी हो गया ये प्रॉफिट हो गया यानी कि एसपी कितना रहा होगा तीन सौ पचास रहा होगा क्रय मूल्य में पचास परसेंट की वृद्धि यानी कि अब क्रय मूल्य एक हो गया तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट कितना हो तो रहा है जीरो जीरो दो का यानी कि बटे में 150 सौ पचास घोड़े में सौ कर देंगे तो ये तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया पांचों को बीस हो गया पानती पंद्रह हो गया यानी कि तीन एक सौ तैतीस दशमलव तीन तीन परसेंट आंसर अगला सवाल ड्रेंसन के पास इक्यानवे मीटर एक सौ बारह मीटर और उनचास मीटर लंबाई के तीन लकड़ी के टुकड़े हैं यदि वह लकड़ी को बराबर तत्वों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी अधिकतम संभव लंबाई यानी कि ये एस की बात कर रहा है बस इक्यानवे एक सौ बारह और उनचास में अधिकतम क्या हो रहा है केवल दिख रहा है ऑप्शन का सारा लेना है ठीक है क्योंकि अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं देना कि पता नहीं एस निकालने लगे नंबर को देख के ऑप्शन किस लिए दिए इसीलिए दिए गए कि भाई हाइएस्ट कॉमन फैक्टर सात आ रहा है इक्कीस से कटना नहीं है उन्नीस से सारे कटेंगे नहीं एक मूल राशि आठ परसेंट वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है दो वर्षों के बाद अर्जित ब्याज इतना है तो मूलधन की राशि क्या है आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस कहीं दो लिखा है आंसर लगा दो भाई प्रिंसिपल सौ है रेट आठ परसेंट है टाइम हमको दो दे दिया तो ऐसा ही कितना होगा सोलह होगा इसी का मान तीन सौ बीस दिया था हमें सौ बराबर निकालना था तो सोलह दूनी बत्तीस हमने दो देखा बस ऑप्शन में आंसर लगा दिया अगर वो यही लिख देता बीस हजार दो हजार दो सौ तब हम एग्जैक्ट करते जीरो को भी इज्जत देते लेकिन अभी जरूरत नहीं है अगला सवाल इसमें हमें रेशियो बताना पी और क्यू क्यू और आर का रेशियो दिया गया ठीक है अब यहाँ पर देखो क्यू क्यू का मान या तो तीन होगा या तो दो होगा यानी कि इवन नंबर होना चाहिए तभी दो से कट पाएगा तो सबसे पहले देखो पाँच से तो पाँच कहीं तो कहीं से भी आना नहीं बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो इसमें तीन नहीं आ रहा है इसमें दो नहीं आ रहा है इसमें दोनों आ रहे हैं बात खत्म कर दो आ गया हमारा आंसर ठीक है और इसके अलावा देखो भाई दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्यू का मान हमारे पास छ हो गया है यहाँ पर जब छह बनाएंगे तो दो का गुणा तो पी का मान हो गया पानदूनी दस यहाँ पर छह बनाएंगे क्यू का मान तो तीन का गुणा तो आर का मान पानती पंद्रह हो गया यानी कि क्यू के लिए छ रखेंगे ये दस प्लस का पंद्रह यानी कि पच्चीस हो जाएगा रेशियो अगला सवाल यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का पैंतीस परसेंट है तो हानि बतानी है भाई विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का पैंतीस परसेंट है भैया कितनी हानि हो रही है पैंसठ परसेंट की साफ साफ दिख रहा हानि होती है अगला सवाल एक आयताकार मेज के शीर्ष का परमाप इतना है और उसका क्षेत्रफल इतना है तो उसके विकर्ण की लंबाई हमको बताए भाई परमाप हमको दे दिया था यानी कि अगर हम एल प्लस बी का मान निकाले तो ये पैंतीस हो जाएगा क्योंकि प्रमाप का फॉर्मूला होता टू इंटू में एल प्लस का बी एरिया यानी कि एल इंटू में बी बराबर में तीन सौ बिकर्ड की लंबाई विकर्ण की लंबाई होती है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है यानी कि अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें एल स्क् पैंतीस का, का स्क्वास हो गया यानी कि एल स्क् बारह सो पच्चीस माइनस में दो गुड़े में तीन सौ यानी कि छह सौ हो जाएगा तो बारह से छह गया छह सौ पच्चीस हो गया ये एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया दोनों तरफ रूट ले लो यानी कि आंसर क्या आ गया पच्चीस अगला सवाल Osionfish. सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो औसत आयु बयालीस वर्ष हो जाएगी सीता गीता और ऋतु की क्रमशः आयु क्या होगी ऑप्शन का सारा लेना है सीता और गीता दोनों की 40 है एवरेज यानी कि 40 देखो यहाँ से 80 जो ये दोनों बना रहे नहीं बना रहे हटा दो ये अस्सी बना रहे नौ दो ग्यारह नहीं बना रहे ये भी अस्सी नहीं बना रहे केवल यही एक ऐसे है कि दोनों मिलकर अस्सी बनाएंगे बटे में दो यानी कि चालीस ये सेटिस्फाइड हो रहा है बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अगर बाई चांस ये भी मिल जाता तो रितु और सीता का हम चेक कर लेते उनकी भी एवरेज दी गई थी वो भी मिल जाता तो आगे हमको रितु और गीता का एवरेज दिया गया था बयालीस चेक कर लेते आपका टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी ठीक है इसके अलावा सिंपल सा चालीस गुड़े में दो करते प्लस में अड़तीस गुड़े में दो करते और प्लस में कर लेते बयालीस गुड़े में दो ये तीनों का सम आ गया जब जोड़ोगे तो हमें दो का भाग करना पड़ेगा तो ये जो थी ना सीता गीता और रीता थी ठीक है रीतू थी, थी। बराबर में क्या जाता इनको जोड़ लेते आठ दो दस की जीरो हासिल लगा एक हो गया यानी कि पांच पांच तीन आठ आठ चार हो अब जिसका जिसका निकालना हो वही वही माइनस करते जाओ सीता और गीता यानी कि इसका मान मानस था यानी कि ये कितने रह होंगे चालीस होंगे एक ही ऑप्शन में चालीस दिया था आंसर लगा ठीक है अगला सवाल अब अगला क्या चलिए छब्बीस के शिफ्ट फोर ये हमारी समाप्त हो गई ठीक है कोई कम कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वैसे आपको नंबर भी दिया हुआ नाइन नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन सेवन सेवन इस पर आप मैसेज कर सकते हैं ठीक है फर्जी का मैसेज ना करें ब्लॉक तुरंत कर दिया जाता है जेनुइन हो उसको आप मैसेज कीजिए पूछ सकते हैं कुछ ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत